विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे सीएम नीतीश, 10 बड़े नेताओं से की मुलाकात, क्या है 10 नेताओं की सियासी ताकत, 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से हटा पाएंगे, क्या है नीतीश कुमार का मास्टर प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी कर चुके हैं। तस्वीर साफ है कि अब सीएम नीतीश ने कमर कस ली है, जहां बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने में जुट गए हैं वो, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां सबकी शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी। ऐसे में पीएम बनने का ख्वाब देखने वाले सीएम नीतीश पीछे कैसे रहते। तो सीएम साहब मिशन 2024 पर निकले हैं, जहां वो दिल्ली दौरे पर भी गए, उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जिन 10 बड़े नेताओं से सीएम नीतीश ने मुलाकात की है, उनकी सियासी ताकत क्या है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए, जहां उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, यानी वो अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने में लगे हैं। उनका प्लान है 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से हटाना। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। क्या है कांग्रेस की सियासी ताकत? सबसे पहले नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें, इसका मतलब है कांग्रेस का समर्थन। अगर कांग्रेस की ताकत की बात करें तो ये विपक्ष की ओर से सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी के बाद कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा सांसद हैं। 2019 चुनाव में भी कांग्रेस ने 19.46% वोटों के साथ 52 सीटें हासिल की थी। दूसरे दिन मंगलवार को नीतीश ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। क्या है सीताराम येचुरी की सियासी ताकत? दूसरे दिन सीएम नीतीश ने सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। सीपीआईएम ने 2019 लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी और उन्हें 1.75% वोट मिले थे, और साथ साथ फिलहाल सीपीआईएम की केरल में पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर सीएम नीतीश ने सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। क्या है डी राजा की सियासी ताकत? सीएम नीतीश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी मिले थे। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव 2019 में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी और दोनों ही सीटें केरल से मिली थी। इसके बाद सीएम नीतीश ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। क्या है सपा की सियासी ताकत? सपा की सियासी ताकत की बात करें तो यूपी में है, जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में सपा मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन लोकसभा में फिलहाल 3 सांसद हैं। क्या है ओम प्रकाश चौटाला की सियासी ताकत? इनेलो के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सियासी ताकत हरियाणा में है। फिर उसी दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से सीएम नीतीश ने मुलाकात की। क्या है अरविंद केजरीवाल की सियासी ताकत? आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल ने तीसरी बार सरकार बना रखी है। फिर सीएम नीतीश अपने पुराने मित्र शरद पवार से मिले। क्या है शरद पवार की सियासी ताकत? शरद पवार की एनसीपी का सियासी आधार महाराष्ट्र में है। 2019 के चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस तरह 19 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से सीएम नीतीश ने मुलाकात की। क्या है दीपांकर भट्टाचार्य की सियासी ताकत? भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के दौरान दोनों ने आगामी लोकसभा चुनावों पर चर्चा की। भाकपा माले का सियासी आधार बिहार और झारखंड में है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले 12 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी शरद यादव से भी मुलाकात की। क्या है शरद यादव की सियासी ताकत? शरद यादव एक समय जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में नीतीश के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। नीतीश कुमार ने जेडीएस प्रमुख एचडी कुमार स्वामी से भी मिले हैं।